असलकम क्या हाल है आप सबका उम्मीद है सब, सब खैरियत से होंगे पिछले वीक मेरी बाजी आई हुई थी जर्मनी से हमें मिलने के लिए तो जर्मनी में भी छुट्टियाँ हुई हुई थी बच्चों को और इधर यूके में मेरे बच्चों को भी छुट्टियाँ थी तो हम लोगों ने मिल बहुत इन्जॉय किया जर्मनी में हम लोग तकरीबन दस साल इकट्ठे रहे हैं तो मेरी बाजी का घर जो था वो तकरीबन पंद्रह मिनट के ड्राइव पे था तो हर वीकेंड पे या वो लोग लो हमारी तरफ आ जाते थे या हम लोग उनकी तरफ चले जाते थे तो यहाँ जर्मनी से इधर आने के बाद ये चीज़ मुझे बहुत फील होती थी कि यहाँ पे यूके में और सब कुछ है लेकिन मेरी बाजी नहीं है यहाँ पे तो जो आपके अपने करीबी बहन भाई होते हैं ना उनके साथ जो ताल्लुक़ होता है वो आपका किसी और के साथ नहीं हो सकता तो बाजी के घर का भी ये हिसाब था कि जैसे एक घर वाली ही बात थी जब दिल किया चले गए जब उनका दिल किया वो लोग आ गए और हम सब इकट्ठे हुए हों और बार भी क्यों ना हो ये कैसे हो सकता है तो हालांकि रमज़ान था लेकिन फिर भी हमने बारबी क्यों ज़रूर किया था हम लोग जब भी जर्मनी में भी जब भी इकट्ठे बारबी क्यों करते थे तो हमारा यही मेन्यू uh, होता था कि हम चिकन टिक्का बनाते थे और सीख कबाब बनाते थे तो यही दो चीज़ें मैंने बनाई थी और एक ही क्वान्टिट्टी हमारी फ़िक्सड है कि हमने uh, कितना uh, जो है वो गोश्त लेना है कितना कीमा लेना है हम दो फैमिली से इकट्ठी हों तो ये जो रेसिपी है इसकी चिकन टिक्का की और सीख कबाब की ये मेरे चैनल पे मौजूद है बहुत अच्छी रेसिपी है हमने काफ़ी और रेसिपीज ट्राई करने के बाद फाइनली ये एक रेसिपी जो है मॉडिफ़ाई करके तो इसकी मैंने वीडियो बना ली थी और जब भी हमें दोबारा बनाती हूँ तो इसी वीडियो को खोल के तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैं नीचे भी लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख के एक दफ़ा डाल लेती हूँ तो हमेशा एक ही जायका अच्छा जायका बनता है और बहुत मुनासिब सी नमक मिर्च होती है ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाए और खाया ही ना जाए तो अगर आपको बॉबी क्यू करने का शौक़ है तो ये रेसिपी जो है ये आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं बॉबी क्यू के बाद बाजी को मैंने लगाया हुआ है बर्तन धोने पे किचन साफ़ करने पे और मैं चीज़ें जो वो साथ साथ समेट रही थी तो ये जो चिकन का मेरीनेशन लगाई थी हमने तो वो टिक्के के साथ साथ तो वो नहीं लगता ना मेरीनेशन काफ़ी सारी मैरिनेशन जो वो बच जाती है इसको मैं अब फ्रीज करूंगी छोटे छोटे पैकेट्स बना के और जब मैं दाल बनाऊँगी जैसे चने की दाल या माश की दाल बनाऊंगी तो जब उसका मसाला रेडी करूंगी उसके अंदर ये थोड़ा सा डाल लूँगी मैरिनेशन तो उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा बाजी रिव्यू दें जबरदस्त बहुत मज़ा आया अच्छा उसके बाद आज एक बहुत क्विक मीठा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब घर पे मेहमान आए होते हैं ना रहने के लिए तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि लंबे चौड़ी कुकिंग की जाए तो बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही बना के जैसे मैं अक्सर आपको दिखाती भी रहती हूँ अपने चैनल पे मैं कि मैं किस तरह चीज़ें पहले से बना के फ़्रीज़ करके रखती हूँ तो अगर आप लोगों के मेहमान भी हमारे मेहमानों की तरफ बहुत मीठे के शौकीन हैं तो ये रेडीमेड कस्टर्ड जो ये ज़रूर अपने घर में रखें ये आपको लिडल से आराम से मिल जाएगा आल वगैरह में मेरा ख्याल हर मार्केट में ही होता है ये तो ये इसका ज़ायक़ा जो है जैसे जर्मनी में पुडिंग मिलती है ना पैकेट्स में जिसको ख़ुद बनाते हैं उससे मिलता जुलता होता है लेकिन ये बहुत क्रीमी इसका रिच फ्लेवर होता है तो कस्टर्ड मैंने लिया है और मैं फ्रूट ट्राइफल बनाऊंगी इस कस्टर्ड के साथ ये जो कस्टर्ड है ये तीन लीटर कस्टर्ड था तकरीबन मेरे पास इसके अंदर मैंने दो सेब तीन केले और थोड़े से अंगूर डाले थे इसके अलावा और कोई फल जो है वो इसमें अच्छा नहीं लगता खट्टे फल जो है ना वो इतने मज़े के नहीं लगते हैं तो ये फ्रूट्स जो है इसके अंदर मैंने कस्टर्ड मिक्स कर दिया है और उसके बाद रेडीमेड मैंने लिटिल से ही केक लिया था प्लेन केक भी इसके अंदर अच्छा लगता है लेकिन हम लोगों को सबको ये जो मार्बल केक होता है ये ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा सा ज़रा चॉकलेट का भी फ्लेवर आ जाता है तो इसके स्लाइसिस में इसके अंदर डाल दूँगी और बस जैसे फ्रूट ट्राइफल की लेयरिंग करते हैं उस तरह से लेयरिंग कर लें तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी जेली भी बना के इसके अंदर डालती थी जरा और फैंसी करने के लिए लेकिन जेली ऑप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें तो मैंने दो बोल्स बनाए थे एक में मैंने डाल ली थी जेली एक में नहीं डाली थी बच्चों को ज़रा शौक़ होता है ना जेली शली खाने का तो बस इसको फ्रिज में रख दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको सर्व कर दें देखो मैंने कितनी अच्छी डेकोरेशन की है कीमा, लग रहा है। <laughs> <laughs> कीमा नहीं है चॉकलेट ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ और लफिरबी चलो टेस्ट करोगे कैसे बहुत ही गंदा <laughs> <laughs> नहीं सही सही बताओ आज भाजी घर में वापस चले जाना था तो आज घर वाले सभी बहुत उदास हुए हुए थे खासतौर पे मेरे बच्चे जो है वो बहुत फील कर रहे थे कि भाई और आपी सब वापस जा रहे हैं तो ऐसे तो होता ही है जब मेहमान आते हैं उस टाइम रौनक में इन्जॉयमेंट में मज़ा आ रहा होता है तो जब एकदम से घर खाली होता है ना तो एक दो दिन बहुत फील होता है घर में एकदम से खामोशी सी हो जाती है ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आपने इंजॉय किया होगा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ चलाजे फ्राने का मिलता